Assalamu alaikum, main hu Hayatullah Khan Durrani, Pride of Performance Chief Executive Hayat Durrani Water Sports Academy. Hamari is academy ka ek project hai jo ki 1986 se humne launch kiya hua hai, Protect Environment Tree Plantation. Ye jo project hai hamara 1986 se yahan hum jo hai drakh lagate hai, jo drakh sukh jate hai usko dobara nikal ke uski jagah naye drakh lagate hai. Aaj chunke 5 June hai aur World Environment Day hai, aaj is din ke mauke par hum wo drakh replace kar rahe hai jo yahan par kisi na kisi wajah se sukh jate hai aur uski jagah hum phir naye drakh lagate hai. Aur aaj alhamdulillah main bahut khush hu ke internationally jo hai watan aziz Pakistan ko ये प्रोग्राम जो है होस्ट करने का मौका दिया गया है. यहाँ पाकिस्तान से ही अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए बहुत काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी प्लेनेट अर्थ के लिए, प्लेनेट अर्थ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं. इस वक्त हया दुरानी वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी हाना झील में खड़े है. यहाँ पर हमारे साथ कैनोइंग के और रोइंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद है जो यहाँ पर दरख्त इस वक्त लगा रहे हैं और कई मेहमान भी आए हुए हैं, वो भी हमारे खिलाड़ियों के साथ दरख्त लगा रहे हैं. इंशाल्लाह ये जो हया दुरानी वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी का जो प्रोजेक्ट है लव पाकिस्तान प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ट्री प्लांटेशन, जिसका क़याम हम लोगों ने 1986 14 अगस्त के मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर हमने इसका क़याम अमल में लाया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कई साल हो गए, 3 दहाइयाँ हो गई है कि हमारे खिलाड़ी जो यहाँ पर दरख्त लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं आपको ये बावर करना चाहता हूँ कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है और उसको पालना सदका जारिया है, इबादत है. आज जो 5 जून है, आज के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो होस्ट है तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का, वो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है. ये मुझे फ़ख्र है इस बात पर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में छाया हुआ है तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से. चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन बलोचिस्तान, वो बलोचिस्तान में कोपेमाई की पहली और पाकिस्तान में गार शनासी की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो माउंटेनियरिंग स्पोर्ट्स और केव एक्सप्लोरेशन के लिए हमने काफ़ी काम किए. चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन बलोचिस्तान के प्लेटफार्म से 14 अगस्त 1984 को हमने एस जूनिपर डिफेंडर एक विंग कायम की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मरतबा क्वेटा से ज़्यारत तक एस चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन के मेम्बरान और ऑफिशल्स हमने एस जूनिपर डिफेंडर वॉक भी किया. एक दफ़ा 1988 में हमने क्वेटा से ज़्यारत तक एज जूनिपर डिफेंडर वॉक किया और एक दफ़ा इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन के मौके पर हम लोगों ने 2000 में क्वेटा से ज़्यारत तक वॉक किया इस जूनिपर डिफेंडर, क्योंकि ज़्यारत में जो इस वक्त जूनिपर्स है वो दुनिया की दूसरी बड़ी जूनिपर फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड दैट इज़ इन ज़्यारत. और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो अवेयरनेस और जो आगाही हमने चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन बलोचिस्तान के प्लेटफार्म से की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे भी मुतमईन हूँ. हम ज़्यारत में भी चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन बलोचिस्तान के प्लेटफार्म से जूनिपर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 साल से ज़ायद अरसा हो गया है कि एज जूनिपर डिफेंडर हम अपना किरदार चिल्तन एडवेंचर एसोसिएशन बलोचिस्तान के प्लेटफार्म से अदा कर रहे हैं. 5 जून के मौके पर जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, मैं अपना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी दरख्त लगाए और आज हम अहद करें कि न ज़्यारत में दरख्त काटेंगे और न यहाँ बलूचिस्तान के और क्वेटा के पहाड़ों में दरख्त काटेंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद.